नमस्कार। ये वीडियो में हम जो है लाइब्रेरी मॉडल के अंदर माय लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो है लाइब्रेरी डिटेल्स आता है। इसके अंदर हम जो है बेसिक लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे। सबसे पहले जब हम सेटअप करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्कूल का लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है। अब उसी तरीके से हम जो है यहाँ से पूरे लाइब्रेरी का बेसिक सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एडिट लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा। एडिट लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरा स्कूल का लाइब्रेरी का नेम होगा वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे कि अब मुझे कि यहाँ पे मेरी स्कूल का लाइब्रेरी का नेम डालना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्कूल के लाइब्रेरी का नेम डाल दिया, फिर यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट इंस्टीट्यूट कर सकता हूँ। अगर फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका कोई मेन इंस्टीट्यूट है और आपके सब इंस्टीट्यूट भी है, तो यहाँ पे आपको जितने भी सब इंस्टीट्यूट होंगे वो सबके नाम यहाँ से आपको दिख जाएंगे। और आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी कौन से इंस्टीट्यूट में जो है कॉमन रहेगा। फिर जो है आप एड्रेस डालोगे, एड्रेस जैसे कि पूरे स्कूल में लाइब्रेरी कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने FF रूम नंबर 1 डाला, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 1। तो यहाँ से जो है मैं लाइब्रेरी का डिटेल्स क्रिएट करके फिर मैं सबमिट कर सकता हूँ। फिर आता है लाइब्रेरियन ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर मैं जो है जितने भी कंसर्न पर्सन है, जैसे कि अगर कोई भी एक लाइब्रेरी के अंदर कोई एक लाइब्रेरियन है, तो मैं वो उनको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे ऐड लाइब्रेरियन ऐड करने के लिए मैं प्लस लाइब्रेरियन पे क्लिक करूंगा। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके पर्टिकुलर फैकल्टी का नेम ऐड करूँगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक फैकल्टी का नाम लिख रहा हूँ, जितने भी फैकल्टीज होंगे जो भी है उन सबके नाम आ जाएंगे और मैं यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे फैकल्टी 15 को सेलेक्ट करना है, और फिर मैं यहाँ से क्लिक करके सबमिट कर सकता हूँ। तो जो है फैकल्टी 15 ऐसे लाइब्रेरियन लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो मतलब कि जैसे कि जब वो उनके अकाउंट से लॉग इन करेंगे, जब वो माई क्लास कैंपस के वेबसाइट में जाएंगे, तो वो लाइब्रेरी मॉड्यूल जो है एक्सेस कर पाएंगे। सो इस तरीके से जो है हम लाइब्रेरियन ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरियन ऑप्शन के बाद आता है सेटिंग्स का ऑप्शन। अब सेटिंग्स के ऑप्शन यहाँ पे बेसिक लाइब्रेरी सेटिंग्स जो होता है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कि हर एक लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट कितने दिनों तक बुक ले सकता है, और सबमिट कराना होता है कि उसको रिटर्न डेट कितना है एंड ऑल, वो सब यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है डेज पर बुक। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि एक स्टूडेंट एक बुक कितने दिन तक रख सकता है। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे 7 लिखा है, तो एक स्टूडेंट जो है 7 डेज तक वो बुक रखेगा और फिर जो है उसके बाद उसको रिटर्न करना रहेगा। अगर वो रिटर्न नहीं कर पाता है तो उसको कुछ ना कुछ फाइन लगेगा, और वो हम यहाँ पे दे ऐड कर सकते हैं फाइन पर डे। तो मतलब अगर 7 दिन तक अगर वो रिटर्न नहीं करता है और वो लेट्स से कि 8वें या 10वें दिन पे कुछ रिटर्न करता है, तो उसको पर डे के हिसाब से कितना फाइन लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 50 लिखा है, तो अगर कोई स्टूडेंट 10वें दिन पे बुक रिटर्न करता है तो उसको जो है 150 रुपीज चार्ज लगेगा, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं उसने। सो 150 रुपीज उसको जो है एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप यहाँ पे फाइन पर डे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने 50 लिखा है, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। फिर आता है मिसिंग बुक फाइन। अगर किसी स्टूडेंट ने बुक इशू की है और उसने गलती से उसने मतलब गुम हो गया है उससे, या फिर उससे बुक मिसिंग है, तो हम उसको कितना फाइन देंगे। अब यहाँ पे मिसिंग बुक फाइन जो है वो परसेंटेज वाइज होता है, और ये परसेंटेज जो है डिपेंड करता है कि बुक की MRP के ऊपर डिपेंड करता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप बुक का MRP 100 रुपये है और यहाँ पे मैंने परसेंटेज पे जैसे 50% लिखा है, और किसी स्टूडेंट ने बुक गुम कर दिया, तो हम स्टूडेंट से 50 रुपये चार्ज करेंगे जो है 50% ऑफ 100 रुपीज। उसी तरह अगर किसी बुक का प्राइस 500 है और हमने यहाँ पे अगर 50% लिया लिखा है, तो उसको 250 रुपीज जो है फाइन चार्ज होगा मिसिंग बुक फाइन का। तो इस तरीके से जो है आप आपके यहाँ से परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हो।
मैक्सिमम यहाँ पे मतलब जैसे कि 100% अगर लिया है और अगर स्टूडेंट ने बुक किया है तो बुक गुम हो गया है तो उसको जो है उसका पूरा MRP जो है पे करना रहेगा। अब उसी तरह हमारे पास और एक ऑप्शन है जो है डैमेज बुक इन। अब डैमेज बुक के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है परसेंटेज, दूसरा है फ्लैट फाइन। अब परसेंटेज सेम जो है वो रिलेट करता है MRP के ऊपर, बुक के MRP ऊपर, और फ्लैट फाइन जो है वो एक फ्लैट अमाउंट होगा तो सभी बुक के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। अब जैसे कि अगर मैंने फ्लैट फाइन रखा है फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज, तो अगर कोई स्टूडेंट ने बुक डैमेज किया तो अगर वो बुक 1,000 रुपये का भी हुआ तो भी उसको सिर्फ जो है 100 रुपीज ही लगेगा एज अ डैमेज फाइन चार्ज। और अगर मैंने परसेंटेज किया तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सेट कर सकता हूँ कि मुझे उस डैमेज बुक का कितना परसेंटेज का मुझे वो लेना है। अगर 500 का बुक है और मैंने 50% लिखा है तो उसको 250 रुपीज पे करना था। सो इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको परसेंटेज चाहिए और डैमेज परसेंटेज चाहिए या तो फ्लैट फाइन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है बुक इश्यू पर लिमिट। अब बुक इश्यू लिमिट का मतलब ये हुआ कि एक यूजर मैक्सिमम एक टाइम पे मतलब एक टाइम के अंदर लाइक एक मतलब कितनी बुक इशू कर सकता है। अब जैसे कि अगर मैं कोई एक स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे जैसे कि दो बुक लिखे हैं तो मैं दो से ज्यादा बुक इशू नहीं कर पाऊंगा, और मैं जब भी तीसरी बुक इशू कर रहा हूँ तो मुझे सिस्टम जो है वो पॉपअप देगा कि लाइक दिस इज दी बुक, आई मीन ऑलरेडी इसके दो बुक ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। तो जब स्टूडेंट एक बुक रिटर्न कर देगा तब जाके वो दूसरी बुक इशू कर पाएगा, एक टाइम पे वो दो से ज्यादा बुक इशू नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नंबर चेंज कर सकते हैं 1 to 10, कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप उस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। और जो है बुक रिक्वेस्ट लिमिट, मतलब ये ऑप्शन के अंदर कि मतलब जैसे कि कोई स्टूडेंट बुक रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे ये बुक पर्टिकुलर जो है लाइब्रेरी में से मुझे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ये असाइन कीजिए, तो एक टाइम पे मतलब स्टूडेंट कितने रिक्वेस्ट कर सकता है, पर यूजर पर स्टूडेंट कितने रिक्वेस्ट कर सकता है। अब 1, 2, 3, 4, तो वो 3, 4 जितने भी अगर रिक्वेस्ट किए तो वो डिपेंड करता है कि लाइब्रेरियन उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि वो कितनी बुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है सेंड बुक ड्यू SMS बिफोर। तो हमारे सिस्टम में एक ऐसा फंक्शनैलिटी भी है जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने बुक इशू किया है तो हम उनको जो है एक रिमाइंडर मैसेज भी भेज सकते हैं, और ये मैसेज जो जाएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि सेंड बुक बुक ड्यू SMS बिफोर, तो हमने यहाँ पे डेज पर बुक जो है 7 रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि 5th डे या फिर 6th डे पे उनको एक मैसेज जाना चाहिए, एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि आपका ये डेट को जो है बुक रिटर्न करने का डे है, सो प्लीज रिटर्न द बुक टू अवॉइड द फाइन चार्जेस। जैसा अगर मैं एक मैसेज चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि मुझे कितने दिन पहले वो मैसेज करना है। अब जैसे कि मुझे अगर 5th डे पे भेजना है तो मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, तो जो है 5th डे पे स्टूडेंट को एक मैसेज जाएगा कि भाई तुम्हारा ये बुक का रिटर्न डेट है और प्लीज रिटर्न द बुक ऑन टाइम, तो वैसा एक मैसेज जाएगा। सो इस तरीके से मतलब जो है आप यहाँ से सेंड बुक ड्यू SMS का देख सकते हैं। ये सब जनरल सेटिंग्स होने के बाद हम देखेंगे, मतलब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब ये भी जो भी हमने जनरल सेटिंग्स अपडेट की है वो एक बाय डिफॉल्ट सभी बुक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जितने भी बुक्स हम लाइब्रेरी में डालेंगे वो सभी के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आता है SMS सेटिंग्स। अब SMS सेटिंग्स के अंदर ये हम जैसे कि हमने जनरल सेटिंग्स में देखा कि कितने टाइम पहले आप SMS भेजना चाहते हो, तो हम वो जो SMS का सेटिंग है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब SMS सेटिंग्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो आता है सेंड बुक ड्यू SMS, अगर हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमको किन किन को ये SMS भेजना है। अगर मुझे स्टूडेंट को भेजना है तो मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे सिर्फ पेरेंट्स को भेजना है तो मैं पेरेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे पेरेंट 2 को भी भेजना है तो मैं पेरेंट 2 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है बुक ड्यू SMS टेम्पलेट। तो यहाँ से जो है मैं अपना पूरा
एसएमएस टेम्पलेट जो है कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब ये कस्टमाइज इस तरीके के कर सकता हूँ कि अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डियर स्टूडेंट योर इश्यू बुक डेट इज कमिंग क्लोजर, लास्ट डेट टू रिटर्न द बुक इज दिस, प्लीज रिटर्न द बुक ऑन टाइम। तो इस तरीके से मैं एक मैसेज लिख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं जैसे कि आपको एक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, तो हम ये वेरिएबल्स को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से वो कैप्चर करके उनको एसएमएस उस फॉर्मेट में जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेलेक्ट कर रहा हूँ जैसे कि बुक टाइटल, और फॉर एन एग्जाम्पल के किसी बुक का टाइटल है जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एक बुक का टाइटल हमने सिस्टम में ऐड किया। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे बुक टाइटल का वेरिएबल सेलेक्ट किया, तो एसएमएस ऐसा कुछ जाएगा, डियर स्टूडेंट योर रिटर्न डेट ऑफ द बुक, बुक टाइटल का जो वेरिएबल है उसकी जगह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज ऑन। तो सिस्टम यहाँ पे मैं जैसे कि रिटर्न डेट सेलेक्ट करूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि उसने कौन से दिन को इशू किया और उसके 7 दिन बाद कौन सा उसका रिटर्न डेट है। तो इस तरीके से वो कैप्चर कर लेगा और उस तरीके से उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस में जाएगा, योर रिटर्न डेट ऑफ द बुक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज ऑन 9th of December ऑफ, ऐसा एक रिटर्न डेट का मतलब एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास और कुछ भी ज्यादा वेरिएबल्स है जैसे कि स्टूडेंट नेम, लाइब्रेरी नेम, इंस्टीट्यूट नेम, बुक टाइटल, बुक नंबर, बारकोड नंबर भी हम डाल सकते हैं, इश्यू डेट और रिटर्न डेट भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और सेम चीज मतलब जैसे कि रिक्वेस्ट बुक एसएमएस टेम्पलेट, अब यहाँ पे जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर बुक रिक्वेस्ट करेगा, अगर हमको उसको एसएमएस भेजना है अप्रूव या रिजेक्टेड का, तो हम वो यहाँ से भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि कुछ वेरिएबल्स है जैसे कि बुक टाइटल, मैं वो एंटर करूंगा। यहाँ पे जो है मैं स्टेटस सेलेक्ट करूंगा तो क्या ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को वो एसएमएस चला जाएगा कि अगर उनका अप्रूव हुआ है रिजेक्ट हुआ है, और ये अप्रूव और रिजेक्ट एडमिन या तो लाइब्रेरियन अपने एंड से कर सकता है। और इस तरीके से जो है मैं पूरा एसएमएस टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा लाइब्रेरी सेटिंग्स हमने कर दिया है। अब उसी तरह के मतलब ये लाइब्रेरी के अंदर सेटिंग्स करने के बाद यहाँ आप यहाँ से देख सकते हो इंस्टीट्यूट मर्ज्ड, तो मतलब ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर कितने इंस्टीट्यूट है। अब अगर आप किसी सब इंस्टीट्यूट को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड मोर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके आपके पास जितने ड्रॉप डाउन होंगे उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। फिर किसने ये लाइब्रेरी क्रिएट किया है, कौन से इंस्टीट्यूट का है, एड्रेस और शेयर लाइब्रेरी। अब शेयर लाइब्रेरी की तब आपको यूजफुल होगा जब फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोई एक सब इंस्टीट्यूट है और वो सब इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सेम लाइब्रेरी, दोनों इंस्टीट्यूट का एक कॉमन लाइब्रेरी होगा, मतलब स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे और दोनों इंस्टीट्यूट के जो है वो कॉमन लाइब्रेरी होगा। तो जब आप एक सब इंस्टीट्यूट में एक लाइब्रेरी क्रिएट करोगे तो आप यहाँ से जो है ये शेयर की कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे सेटअप किया होगा, जो भी हमने बुक्स बेसिक सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, एसएमएस सेटिंग्स, वो जो है रेप्लिका मतलब कॉपी हो जाएगा वो एक सब दूसरे इंस्टीट्यूट में। सो तब ये जो है लाइब्रेरी की यूजफुल होगा। सो इस तरीके से जो है हम बेसिक लाइब्रेरी डिटेल्स देख सकते हैं। और साथ साथ में माई लाइब्रेरी के डैशबोर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्विक एक्शंस है जो बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स हैं आपके लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए, जैसे कि बुक लिस्टिंग, एड बुक, यहाँ से मैं ऐड बुक कर सकता हूँ, यहाँ से बल्क बुक ऐड कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट इशू बुक, रिटर्न इशू, रिटर्न, फाइंड रिपोर्ट्स एंड करंट ड्यू बुक्स। सो इस तरीके से जो है मैं ये पूरा माई लाइब्रेरी के अंदर देख सकता हूँ।